हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज है संडे, बहुत टाइम बाद मैंने वापस से कैमरा उठाया है। अभी तक अगर एक दो वीडियोस आए थे तो वो भी पहले के थे, मेरी तबीयत खराब हो गई थी एक्चुअली। तो फाइनली आई एम फीलिंग बेटर, आई कैन से नॉट द बेस्ट बट हाँ अभी थोड़ा अच्छा लग रहा है। तो मैंने सोचा कि चलिए आज आपके साथ शेयर करती हूँ कि मैं क्या करूँगी। तो फिलहाल मेरा ब्रेकफास्ट हो चुका है, जो कि बेसिकली ब्रंच के टाइम पे हुआ है, बट वो ब्रेकफास्ट ही था। तो मैं सोच रही हूँ कि अभी मैं थोड़ी पढ़ाई करूँगी, उसके बाद आई विल टेक द शावर एंड देन आई विल स्टार्ट समथिंग गुड टुडे। आई मीन पढ़ाई लिखाई करने के बाद, एक्चुअली आज मेरी फ्रेंड आ रही है जो कि हम तीनों का ग्रुप है, मैं, पूर्वा, प्राची, बचपन से। तो आज प्राची आएगी, तो आज मैंने बेसिकली प्लान किया है मैंगो शेक बनाने का, बट विथ अ लिटिल ट्विस्ट। आई मीन थोड़ा मास्टर शेफ की चीज़ें, अभी मास्टर चल रहा दिमाग में, तो कुछ कुछ नया नया ट्राई करने का मन करता रहता है। आई डोंट नो वो कैसा होगा, अच्छा होगा कि नहीं, बट लेट्स सी कैसा होता है। तो बेसिकली उसके लिए मैंने कुछ चीज़ें मंगा के रख ली हैं, लाइक चोको चिप्स और वो जो चोको रोल्स होते हैं वो, वनीला आइसक्रीम एक्चुअली अभी आनी है, जो कि मैं अपने दोस्तों को बोलूँगी भाई लेके आ जाओ, क्योंकि अभी मुझे बाहर जाने का बिल्कुल मन नहीं है। तो उसके बाद हम बनाएंगे, फिर देखते हैं कि कैसा बनता है। मैंने आम भी मंगा के रख लिया, वो सिंदूरी आम होते हैं ना, बहुत ही सुंदर सुंदर से लग रहे हैं। बैंगलोर में अगर आप बिग बास्केट पे मंगाने जाओगे तो उसका नाम है आई गेस द लालबाग या फिर सिंदूरी, ये नाम है उसका, तो डेफिनेटली ट्राई करना। वो बहुत ही खट्टा मीठा सा अच्छा सा, ये नहीं कि सिर्फ मीठा है या फिर सिर्फ ब्लेंड है खट्टा है, ऐसा कुछ नहीं है, वो बहुत ही मिक्स टेस्ट है जो कि बहुत ही अच्छा लगता है। और अगर मैं घर पे होती तो मेरे यहाँ तो आम का पूरा बगीचा है भाई, जिस वैरायटी के आपको आम चाहिए आपको वो आम मिल जाएंगे। आई मीन अराउंड 9 के कितने कैटेगरीज के आम है, पूरा बाग लगा हुआ है, बट बैंगलोर में हमें खरीदना पड़ता है, बहुत दुख की बात है, कोई बात नहीं। तो वो बनाएंगे साथ में, उसमें आइसक्रीम और चोको चिप्स और हर्षी सिरप ये सब है, उसका ट्विस्ट कैसे ऐड करेंगे, क्या करेंगे, कैसा बनेगा, वो सब देखने के लिए आपको मेरा ब्लॉग आगे पूरा कंटिन्यू करना होगा। तो प्लीज़ कंटिन्यू, डोंट मिस इट आउट, बाय। फिर यहाँ पे मैं कुछ अपना सेटअप वेटअप करके मैं कुछ पढ़ाई वढ़ाई करने बैठ रही थी, फिर बीच में पानी वानी पिया और फिर कुछ कुछ पढ़ाई की। ये देखिए, आई मीन अगर आप वर्ड्स याद कर रहे हैं ना, बहुत ही डिफ़िकल्ट लगता है मेरे को ऐसे याद करना, बट क्या करें, करना पड़ता है। तो बस यही सब चल रहा था साथ में, और फिर बीच बीच में मेरे फ्रेंड्स का कुछ कुछ कॉल वॉल भी आया था कि कुछ प्लान क्या करना है, कुछ कुछ चल रहा था ऐसे ही बैकग्राउंड में। बट फिर मैंने सब कुछ साइड में रख के फाइनली आई वॉज लाइक कि भाई पढ़ ले वरना कुछ नहीं होने वाला है। तो फिर मैं पढ़ रही थी, फिर मैं ये ना जो मैं वर्ड्स याद करती हूँ मैं स्टिक करके वॉल पे स्टिक कर देती हूँ, आई मीन फिर वहाँ से, ताकि देख देख के आप रोज़ उसको मेमोराइज करते रहो तो फिर आपको याद होता रहेगा। तो यहाँ पे मैं वो सारे वर्ड जो मैंने अभी लिखे हुए थे सबकी मीनिंग्स एंड ऑल, तो वो सारे मैं एक बार गो थ्रू कर रही थी कि आई मीन क्या क्या था। फिर वापस से मैंने कुछ कुछ पढ़ना शुरू किया, फिर ऐसे ही मेरा पूरा दिन था कि आई मीन ऑलरेडी मैं लेट उठी थी ना, तो मेरे को बड़ा ही गिल्ट टाइप का था यार, पूरा 3 दिन का वीकेंड था, बाकी तो बीमारी में बीमार थी तो मैं सो सो के वेस्ट कर दी। फिर फाइनली इस दिन भी मैं उठी तो मैंने आधा टाइम तो वेस्ट कर ही दिया था, ऑलरेडी आफ्टरनून हो गया था, तो आई वॉज़ लाइक कि थोड़ा तो इज्जत से बैठ के पढ़ाई कर ली जाए। तो फिर बस कुछ नहीं, यही सब चल रहा था, फिर मैंने पढ़ाई वढ़ाई की साथ में, और फिर हम लोग को थोड़ी सी भूख लगी थी। तो स्टार्टिंग में तो मैंने थोड़ा सा कॉर्नफ्लेक्स और चोकोस मिल्क आई मीन ये सब खा लिया था। उसके बाद फिर हुआ कि अब क्या खाया जाए, तो फिर बीच में पढ़ने के बाद जब मैं थोड़ा बोर हो गई थी ना, तो फिर मेरे फ्रेंड्स आए, तो फिर हमने डिसाइड किया चलो नीचे चलते हैं, कुछ काठी रोल, पनीर रोल ये सब ट्राई करते हैं। बाय द वे आई एम प्योर वेजिटेरियन, तो मैं अंडा भी नहीं खाती हूँ। तो फिर मैं गई मतलब पनीर रोल खाने, फिर उसके बाद हम वापस आए और हमने डिसाइड किया कि हम मिरिंडा शेक बनाएंगे। ये है बेसिकली जयपुर की डिश, जो हमारा एक फ्रेंड है जो वो है ना बोला कि वहाँ पे काफी फेमस है, प्रयोग करूंगी इसे निकालने के। तो मतलब मैंने तो आज तक कभी भी ट्राई नहीं किया था, तो हमने कहा कि चलो ट्राई करते हैं कैसा लगता है। तो उसके लिए हम लोगों ने वनीला आइसक्रीम का ये जो फैब्रिक आता है वो खरीद लिया था, और मिरिंडा था हमारे पास। तो ये जो मेरा मिक्सर जार है ना, इसी में ये देखिए, ये पहले आइसक्रीम इसने ऐड की, और ये इंसान सिर्फ यहाँ पे बैठ के, ये दूसरा है जो कि बकबक कर रहा था। तो यहाँ पे हम लोगों ने मिरिंडा ऐड किया, फिर इसमें
वैभव जब वो आइसक्रीम ऐड करेगा, ज्यादा नहीं हो गया, फिर इसको आप प्रॉपरली मिक्स कर लो। और ट्रस्ट मी, आई मीन आप आइसक्रीम की जो क्वांटिटी है ना, हमने शायद थोड़ा ज्यादा कर दिया था, आप थोड़ा और कम रखना। जो टेस्ट आता है, तो मैंने फर्स्ट टाइम ट्राई किया था तो मतलब बड़ा ही वियर्ड था दिमाग में कि कैसा लगेगा, बट ट्रस्ट मी मुझे तो बहुत मजा आया, मुझे बहुत ही ज्यादा टेस्टी लगा था, हटके अलग था। फॉर लाइक आप एक बार, ये नहीं कि आप अगर बहुत ज्यादा पीते जा रहे हो तो आपको अच्छा लगेगा, वो ऐसा वैसा मैं नहीं कह रही, आप एक लिमिटेड क्वांटिटी में लो, तो उसके बाद फिर ये देखिए, इसको हम अच्छे से पहले ग्राइंड कर लेंगे और आप डेफिनेटली इसको ट्राई करो। मैं तो बोलूँगी आप थोड़ा ही ट्राई करो, पर करो, क्योंकि ये हम मुझे बहुत अच्छा लगा था। और जो भी हम लोगों ने फर्स्ट टाइम ट्राई किया था ना, तो हम लोग को भी दिमाग में था कि कैसा होगा, क्या होगा, बट बहुत ही अच्छा था। तो फिर ये हमारा, ये देखिए, ये मैं ग्लास को डेकोरेट कर रही थी, मैंने हर्षीज सिरप से कुछ कुछ नौटंकियाँ की थी, ये देखिए। अब इसके ऊपर हम डालेंगे वनीला आइसक्रीम डाला, फिर हर्षीज सिरप डाल दिया, फिर देखिए चोको चिप्स डाल दिया, फिर चोको चिप्स डालने के बाद ये था चोको रोल। तो ये था हमारा मिरिंडा शेक जो कि हमने डेकोरेट किया। और फिर ये देखिए, ये मैं पीऊँगी और फिर आपको, अभी तो मेरे मुँह में ढंग से थोड़ा ही आया था, ज़्यादा आया भी था, पूरा आइसक्रीम लग जा रहा था और ये बहुत ही टेस्टी था। फिर शाम के टाइम पे रात में आई मीन प्राची आ गई, ये मेरी बचपन की फ्रेंड है, जैसा कि आप लोग इसको बहुत बार देखे होगी ब्लॉग में। तो ये था मेरा मकेन चीज़ वाला समोसा, समथिंग कुछ करके था, चीज़ एंड कॉर्न। तो सिंस प्राची आई थी तो हमारा प्लान था कि हम मैंगो शेक बनाएंगे, तो हम लोगों ने साथ ही में दोनों काम स्टार्ट किए। फिर यहाँ पे समोसे को जो है इसको फ्रीजर से निकाल के, इसको कट वट करके इसको फ्राई करना था, तो ये कढ़ाई रेडी कर ली थी, मगर फिर आई गेस बीच में कुछ हो गया था। हाँ देखिए, तेल वेल तो मैंने ऐड कर दिया है, बट मैं सीधा फ्राई करना नहीं शुरू करूँगी, बीच में हमें भूख लगी थी तो हम लोगों ने बिरयानी ऑर्डर, बिरयानी नहीं, इंजीनियर्स ढाबा करके है, वहाँ का तवा पुलाव पनीर वाला, वो बहुत ही ज़्यादा टेस्टी है, तो हम लोगों ने वो ऑर्डर करा था। तो चलिए आपको पहले वो दिखाते हैं। यहाँ पे देखिए, हम लोग एक्चुअली मैंगो शेक बनाने का प्लान किए थे, तो उसके लिए मैं मैंगोस कट करने में लग गई थी। और ये जो मैंगो था ना, ये मैंने ऑर्डर किया था सिंदूरी वाला मैंगो, सिंदूरी आम, इसका नाम है शायद लाल बाग, हाँ लाल बाग भी है इसका नाम। तो अगर आपको चाहिए तो आप ये बिग बास्केट से ऑर्डर कर सकते हैं, और फिर आप इसका, आई मीन जो इसका बनता है मैंगो शेक, उसका फ्लेवर बहुत ही अच्छा आता है, टेस्टी सा, क्योंकि ये खट्टा मीठा सा रहता है। तो यहाँ पे देखिए, प्राची भी मेरी हेल्प कर रही है, वो कुछ कुछ कर रही थी। फिर यहाँ पे मैंने जो सारे मैंगोज कट किए थे उसको जार में डाल दिया है, और फिर ये हम लोगों ने ऑर्डर किया था वनीला आइसक्रीम, तो हम लोग मैंगो के साथ में वनीला आइसक्रीम ऐड कर रहे थे। आई मीन नॉर्मली हम दूध ऐड करते हैं ना, तो इसमें थोड़ा आप आइसक्रीम डाल दो, और साथ में और मिल्क ऐड किया था। तो बेसिकली ये सब कुछ ऐड करके फिर आप इसको प्रॉपरली अच्छे से ग्राइंड कर लोगे। और यहाँ पे देखिए, ये आम के छोटे छोटे चंक्स भी थे, और क्योंकि जैसे नॉर्मली आप मैंगो शेक बनाते हो ना, तो अगर उसमें आप मैंगो के छोटे छोटे पीसेस कट करके डाल दोगे, जब आप मैंगो शेक पियोगे और बीच में जब मैंगो चंक्स को आएगा, तो वो बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगता है। तो आप डेफिनेटली इसको ट्राई आउट कर सकते हो, हमारा मैंगो शेक बहुत ही अच्छा बना था। इसका जो डेकोरेशन है वो मैं शायद इसमें डालूँ इस ब्लॉग में, या फिर मैं ट्राई करूँगी या फिर नेक्स्ट वाले में डालने का, क्योंकि वरना बहुत ही ज़्यादा लंबी वीडियो हो जाएगी, फिर लंबी वीडियो आप लोग देखते ही नहीं हो, आप लोग बोर हो जाते हो। तो ये देखिए, यहाँ पे मैं इसमें दूध ऐड कर रही हूँ, और फिर इसमें दूध दूध ऐड करके हम फिर इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब लेके आते हैं हमारा खाना, जो कि आया है इंजीनियर ढाबा से, तो ये देखिए, यहाँ पे फिर आ गया था हमारा खाना इंजीनियर्स ढाबा से। मैंने बताया था ना आपको कि तवा पुलाव ऑर्डर किया था पनीर वाला, ये काफ़ी ज़्यादा स्पाइसी होता है, कभी कभी इसमें अगर लौंग ज़्यादा डाल देते हैं तो उतना अच्छा नहीं लगता, पर इस दिन का हमारा बहुत अच्छा आया था। तो हम दोनों यहाँ पे बैठ के मस्त गाना वाना लगा लिए थे और फिर खा रहे थे, फिर हमने अपना खाना इंजॉय किया। साथ में हम लोग को मन किया प्याज कट करने का, अगर आप जैसे प्याज को कट करके उसमें जो उसके लच्छे होते हैं ना, लच्छे निकाल के और उसमें नींबू नमक ऐड कर दो, तो ये बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगता है। तो फिर हम लोगों ने ये सारा कुछ करके फिर हम बातें कर रहे थे, हम लोग एक्चुअली काफ़ी टाइम बाद मिले थे शायद, हो गया था काफ़ी टाइम, क्योंकि बीच में बीमार बीमार हो गई थी तो फिर हम लोग मिले नहीं थे। तो फिर हम दोनों मस्त पूरा खाने पीने में लगे हुए थे, बकबक कर रहे थे, फिर हम लोगों ने अपनी, हमारी जो तीसरी दोस्त है अपूर्वा, उसको वीडियो कॉल भी कर लिया था,
तो वो देखे, वो मैडम अगर आपको फ़ोन पे दिख रहा हो, वो चिढ़ रही थी कि जब भी ये लोग कुछ अच्छा खाते हैं तो फिर उसको फ़ोन करके हम लोग ऐसे ही परेशान करते रहते हैं कि ये देखो हम लोग ये खा रहे हैं, तुम क्या कर रही हो। फिर हम तीनों बैठ के मस्त बक बक की पूरे टाइम बातें कर रहे थे, खा पी रहे थे फिर साथ में। और फिर हम लोग, हाँ ये देखिए हमारा खाना वाना हो गया है। फिर मैं कुछ पढ़ाई करने बैठ गई थी, आई गेस मैं वर्ड्स याद कर रही थी क्या, तो फिर प्राची मुझे साथ में बैठ के वर्ड्स याद करा रही थी, वो भी याद कर रही थी। मेरे को मज़ा आता है डिफ़िकल्ट वर्ड्स याद करो, फिर ये सारी चीज़ें आपको फ्यूचर में हेल्प भी करेंगी अगर आप आगे पढ़ाई करना चाहते हो, या फिर कॉर्पोरेट में भी अच्छा होता है अगर आपकी वो कैब अच्छी है। तो फिर यहाँ पे हम दोनों बैठ के वही वर्ड को देख रहे थे कि कैसे कैसे याद करेंगे, कैसे कैसे सोच सोच के। फिर वहाँ देखिए मेरे दीवार पे लगा हुआ है, तो जो प्राची है वो दीवार वाले से भी मेरे से क्वेश्चन पूछ रही थी। फिर ये वाला हम दोनों बैठ के याद कर रहे थे ऐसे कि अच्छा इसको कैसे याद कर सकते, कोई भी चीज़ अगर आप रिलेट करके याद करो ना किसी चीज़ से, किसी पर्सन से या फिर किसी सिनारियो से, तो वो काफ़ी ज़्यादा ईजी हो जाता है। तो हम दोनों मस्त ऐसे ही हमारी मतलब रात भर काफ़ी मस्ती वस्ती की। इसके बाद हमारे ऊपर फ्रेंड्स रहते हैं वो लोग भी आ गए थे, तो उसके बाद फिर हम लोगों ने मैंगो शेक बनाया था। वो मैं सोच रही हूँ नेक्स्ट व्लॉग में ऐड करूँगी, क्योंकि ये वीडियो ऑलरेडी 15 मिनट के अप्रॉक्स की शायद हो जाएगी। तो फिर बस फिर ऐसे ही करते करते हमारा टाइम निकल गया, टाइम पास हो गया पूरा। हम लोग अच्छे से पूरा पढ़ाई वढ़ाई कर ली है जैसा कि आप देख ही रहे हो यहाँ पर। तो चलिए अब मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में।